नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल लाइफस्टाइल विद शीर्षा एंड पाखी। कुछ दिनों पहले हम लोगों ने नारी दिवस सेलिब्रेट की है, उसको दिमाग में रखते हुए मैंने कुछ पोर्ट्रेट्स बनाई हैं जो कि डिफरेंट डिफरेंट चेहरे को दर्शाते हैं। जैसे कि हम एक दूसरे से बहुत अलग होते हैं, पर कहीं ना कहीं हम एक दूसरे से बहुत ज़्यादा रिलेट कर पाते हैं। मुझे आशा है कि आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि वो मेरे चैनल के लिए एक बहुत बड़ी सपोर्ट हो जाती है। हमारी फैमिली बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रही है, बड़ी हो रही है, और आप लोगों की सपोर्ट के बिना ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं था। सो थैंक यू वेरी मच। आप सब बहुत प्यारे हो और मेरी ढेर सारी प्यार आप लोगों के लिए। तो चलिए, विदाउट फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं पहले व्हाइट एक्रिलिक कलर से पूरी एमडीएफ बोर्ड को एक बेस कोट दे रही हूँ। आप चाहे तो यहाँ पे जिसो भी यूज कर सकते हैं, उसकी टेक्सचर बहुत ही थिक होती है तो बहुत अच्छी टेक्सचर आती है, पर एमडीएफ बोर्ड के लिए और इस टाइप के पेंटिंग के लिए एक्रेलिक कलर भी बहुत अच्छी होगी। तो यहाँ पे मैं एक लेयरिंग कर लूँगी, और पहले मैं यहाँ पे ब्रश से एक लेयरिंग कर रही हूँ, और उसके बाद ब्रश स्ट्रोक ना दिखे इसके लिए मैं थोड़ी सी स्पंज भी यूज़ करूँगी, पर ये नेसेसरी नहीं है क्योंकि इसके ऊपर आप अपने पोर्ट्रेट बनाने वाले हो, तो अगर थोड़ी बहुत स्ट्रोक आ भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। पहली जो पोर्ट्रेट मैं बना रही हूँ उसका नाम मैंने दी है रंगीली। रंगीली बेसिकली उन सारे लड़कियों को, लेडीज को डेडिकेटेड है जो कि रंग बहुत पसंद करते हैं, जिन्हें वाइब्रेंट कलर्स पहनना पसंद होती है, जिनकी कैरेक्टर भी कुछ हद तक वाइब्रेंट होती है, जो हमेशा बात करते हैं, और एक पार्टी में, एक गैदरिंग में जब भी आते हैं तो सबकी नज़रें उनके ऊपर चली जाती हैं। नॉट बिकॉज वो खूबसूरत है, बल्कि उनकी पर्सनैलिटी इतनी वाइब्रेंट है, उनकी बातें सुनना लोगों को बहुत पसंद होती हैं। तो ऐसी रंगीन पर्सनैलिटी के लिए मेरी पहली पोर्ट्रेट रंगीली। जैसे ही मेरी व्हाइट एक्रेलिक कलर की बेस कोट हो गई, उसके ऊपर मैंने पेंसिल से स्केच कर ली है जो भी पोर्ट्रेट मुझे बनानी है। आप भी स्केच कर लीजिए, अगर डायरेक्ट स्केच ना करना चाहें तो आप यहाँ पे ट्रेसिंग पेपर की मदद से भी स्केच कर सकते हैं, और उसके बाद बिल्कुल उसी तरीके से रंग भरिए जिस तरीके से मैं भर रही हूँ, तो ये बहुत ही सिंपल हो जाती है। और इसीलिए मैंने इन डिटेल आपको दिखाई है किस तरह से रंग भरना है और कैसे करना है। हाँ, रंग की चॉइस आप ज़रूर अपने हिसाब से ले सकते हैं, और अपने हिसाब से आप पोर्ट्रेट्स भी चूज़ कर सकते, पर अगर आपको मेरी ही पोर्ट्रेट बनानी है जो मैं बना रही हूँ, विच इज़ रियली ईजी, तो आप बिल्कुल स्टेप बाई स्टेप जैसे मैंने की है उसी तरह से इसे करिए।
अब सेकेंड जो पोर्ट्रेट मैंने बनाई है उसके नाम मैंने दिए हैं फूलमती, क्योंकि इसे देखते ही फ्लावर फ्लावर सी एक मोटी दिमाग में आती है। आप जब देखेंगे तो आपको भी पता चल जाए। मेनली लाल, गुलाबी और इसके नज़दीक जो रंग है उसी की शेडिंग में बनाई है, तो इसे देखते ही एक फूल फ्लावर एक बाग बगीचे की याद आती है, तो इसीलिए इसका नाम है फूलमती। फूलमती उन सारी लेडीज को डेडिकेटेड है जो कि फूल की तरह कोमल है, जिन्हें किसी को ना नहीं बोला जाता है, जो हर वक्त लोगों की मदद करने के लिए आ जाते हैं, जिनकी दिल बिल्कुल कोमल है और जिन्हें बहुत जल्दी आप दुख पहुंचा सकते हो पर वो जल्दी आपको कभी दुख नहीं पहुंचाते। तो उन सारी लेडीज को डेडिकेटेड है फूलमती।
मेरी थर्ड जो पोर्ट्रेट है उसके नाम है रजनी, क्योंकि इसे मैंने बेसिकली सफ़ेद, ग्रे और ब्लैक की कॉम्बिनेशन में बनाई है, जो कि उन सारी लेडीज़ को डेडिकेट है रहे हैं जो बाहर से थोड़े से सख्त दिखते हैं, थोड़े स्ट्रिक्ट दिखते हैं, जिन्हें देख के लगता है कि बहुत ही गंभीर भारी भरकम से उनकी कैरेक्टर है, पर असल में उनके करीब जाओ, उनको जानने की कोशिश करो तो उनके अंदर वो सारे कलर्स आपको दिखते हैं जो कि असल में एक सफ़ेद रंग में होती है। तो उन सारे लेडीज़ को डेडिकेटेड है मेरी थर्ड और लास्ट पोर्ट्रेट जिसका नाम है रजनी। यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं एक मार्कर पेन, जो कि एक सिल्वर मार्कर पेन है, उसके मदद से मैं इसको एक आउटलाइन दे रही हूँ, जो कि मैंने पिछले दो तस्वीरों में भी आउटलाइन की है। और अगर चाहे तो आप इस आउटलाइन को कर सकते हैं, नहीं चाहे तो ये ऑप्शनल है, मत कीजिए। और उसके बाद तीनों पेंटिंग को मैंने एक मॉड पॉज की लेयरिंग कर दी है। थैंक यू सो मच मेरे साथ मेरे चैनल पे बने रहने के लिए। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। नेक्स्ट वीडियो में फिर से आप लोगों के साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय।